मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया, लेकिन इसकी भविष्यवाणी 2016 में ही उनके गुरु नेपाली बाबा ने की थी। नेपाली बाबा अयोध्या में रहते हैं। दरअसल 2016 में मोहन यादव अयोध्या यज्ञ में पहुंचे थे, उसी समय नेपाली बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव का नाम सामने आया। अब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस पूरे शपथ में एक व्यक्ति और खास है और वो है उनके गुरु। हमारे साथ जो महाराज जी हैं वो गुरु हैं मोहन यादव जी के, नेपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, अयोध्या के मठों में निवास करते हैं और हमारे साथ नेपाली बाबा मौजूद हैं। कुछ सवाल है बाबा जी, सबसे पहले मोहन यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहन यादव जी के बारे में ही कहेंगे कि जब इतने बड़े पद को जब प्राप्त हुए तो धर्म निष्ठा के अनुकूल वह जनता की सेवा करें, जिससे कि उनके आगे कीर्ति छवि बढ़े। हाँ, मेरा दूसरा और कुछ नहीं है, हम इतना ही उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो जनता की सेवा निष्ठा से करें। जी मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के नए सीएम को आमंत्रण भी दे रहे हैं आप कि इस यज्ञ में वो शरीक हो, आपके शिष्य इस यज्ञ में शरीक हो? हाँ, मैंने हम जो हमारे लक्ष्मण स्वरूपा जो योगी जी हैं, राम स्वरूपा जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को राम ही मानते हैं, इनको लक्ष्मण ही मानते हैं, तो आमंत्रण भेजे हैं। अब उन लोग की राजकाज है, जैसी इच्छा होगी अपना लोग करें। मोहन यादव जी को बुला रहे हो? हाँ, उनको भी आमंत्रित करेंगे, अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आशीर्वाद है गुरु का? हाँ, आशीर्वाद है, शपथ ग्रहण के समय आशीर्वाद। हाँ हाँ, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। तो गुरु का आशीर्वाद मोहन यादव जी के साथ रहेगा, ये कहना है उनके गुरु का। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।